हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पर चर्चा करेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 124 एंड सेक्शन 125 डील्स विद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के जनरल मीनिंग की बात करें तो द टर्म इंडेमनिटी मीन्स टू मेक गुड द लॉस आर टू कंपनसेट फॉर द लॉसेस। इंडेमनिटी का जो शाब्दिक अर्थ है वो है किसी व्यक्ति को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करना या उसके लिए उसको क्षतिपूर्ति प्रदान करना। द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड इंडेमनिफाई इज टू कंपनसेट समवन फॉर हार्म लॉस और डैमेज। इंडेमनिफाई का मतलब होता है किसी व्यक्ति को हुए किसी नुकसान या डैमेज के लिए कंपनसेट करना। इंडेमनिटी वर्ड लैटिन लैंग्वेज के इंडेमनिस वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका अर्थ है अनहर्ट आर फ्री फ्रॉम लॉस, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसको कोई नुकसान ना हुआ हो या जिसको कोई हानि ना हुई। इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी पोजीशन को रीस्टोर करना, उसको कंपनसेट करना ताकि वह पुनः उसी स्थिति में पहुंच जाए जिसमें वो होता अगर उसको कोई नुकसान ना हुआ होता। एज पर द ऑक्सफर्ड डिक्शनरी इंडेमनिटी मीन्स सिक्योरिटी फ्रॉम डैमेज लॉस आर पेनाल्टी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इंडेमनिटी का मतलब होता है किसी नुकसान या शास्त्र के विरुद्ध प्रतिभूत। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंडेमनिटी को सेक्शन 124 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज एन एग्रीमेंट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज्ड टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ आर बाय द कंडक्ट ऑफ समवन एल्स इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। हिंदी में इसका अर्थ हुआ कि इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट या क्षतिपूर्ति की संविदा एक ऐसी संविदा है जिसमें एक पक्षकार किसी व्यक्ति को दूसरे पक्षकार को यह वचन देता है कि वह उस दूसरे पक्षकार को स्वयं अपने किसी कार्य से होने वाले नुकसान से या किसी थर्ड पर्सन किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य से होने वाले नुकसान से बचाएगा। इसी को क्षतिपूर्ति की संविदा कहते हैं। अर्थात अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ये कहता है कि अगर मेरे स्वयं के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से आपको कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई मैं स्वयं करूंगा, मैं करूंगा, तो इसको हम क्षतिपूर्ति की संविदा कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि ए ये कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर ए बी से ये कहता है कि आप मुझको बाइक चलाना सिखा दीजिए और बाइक जो है वो बी की है, तो बी ये कहता है कि अगर मैं आपको बाइक चलाना सिखाता हूँ अपनी बाइक से तो उस स्थिति में ये हो सकता है कि बाइक सीखने के क्रम में आप मेरी बाइक को कुछ नुकसान पहुँचा दें, कहीं भिड़ा दें जिससे वो टूट फूट जाए। तो ए ये कहता है कि अगर मेरे चलाने से मेरे सीखने के दौरान अगर मेरे चलाने से आपकी बाइक को कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई मैं करूंगा, या अगर उसमें कोई गड़बड़ी होती है तो मैं उसको रिपेयर करवा दूंगा, या कोई पार्ट डैमेज होता है तो मैं उस पार्ट को चेंज करवा दूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है या ये क्षतिपूर्ति की संविदा है। या एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ए बी से ये कहता है कि आप सी को बाइक चलाना सिखा दीजिए और बाइक भी बी की ही है। बी ये कहता है कि अगर सी को सिखाने के क्रम में मेरी बाइक को कोई नुकसान हो जाता है सी के द्वारा तो
तो ए ये कहता है कि अगर सी सीखने के क्रम में आपकी बाइक को कोई नुकसान पहुंचाता है तो मैं आपकी बाइक रिपेयर करवा दूंगा, या कोई पार्ट डैमेज होता है तो उस डैमेज पार्ट को मैं चेंज करवा दूंगा। तो इस तरह का ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है या क्षतिपूर्ति की संविदा है। अब हम इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट की इसेंशियल्स को डिस्कस करते हैं। तो फॉर द पर्पज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए निम्न कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला है, देयर मस्ट बी टू पार्टीज, अर्थात दो पक्षकार होने चाहिए। वन ऑफ द पार्टीज मस्ट प्रॉमिस द अदर टू पे फॉर द लॉस इनकर्ड। पहली पार्टी दूसरे पार्टी को यह वचन दे कि वो दूसरे पक्षकार को जो भी नुकसान होगा उसके लिए व्यय प्रदान करेगा या उस नुकसान की भरपाई करेगा। तीसरा एलिमेंट है, द कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस्ड आर इम्प्लाइड। ये जो क्षतिपूर्ति की संविदा है ये अभिव्यक्त हो सकती है या ये विवक्षित हो सकती है। एक्सप्रेस्ड होने का मतलब ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज मेड बाई वर्ड्स रिटेन आर स्पोकन। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वर्ड्स के माध्यम से हुआ है, शब्दों के माध्यम से हुआ है, लिखित या मौखिक, वो एक्सप्रेस कहलाता है। और जो अदरवाइज देन इन वर्ड्स होता है, जो शब्दों से अन्यथा होता है, फॉर एग्जाम्पल इशारों से होता है या हाव भाव से होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। इट मस्ट सेटिस्फाई द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल्स हैं वो सेटिस्फाई होने चाहिए। लेट अस नाउ डिस्कस पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की पार्टीज को डिस्कस करेंगे। तो किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्षतिपूर्ति की संविदा में दो पक्षकार होते हैं। पहला होता है इंडेमनीफायर और दूसरा होता है इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। तो इंडेमनीफायर कौन होता है? ए पर्सन हु प्रोमिसेज टू इंडेमनीफाई आर पे फॉर द लॉसेज इज नोन एज एन इंडेमनीफायर। ऐसा व्यक्ति जो प्रॉमिस करता है कि वो दूसरे व्यक्ति को नुकसान से बचाएगा वो इंडेमनीफायर कहलाता है। और द पर्सन फॉर हुम सच ए प्रॉमिस इज मेड इज नोन एज एन इंडेमनीफाइड आर इंडेमनिटी होल्डर। और जिस व्यक्ति को ऐसा वचन दिया गया होता है वो इंडेमनीफाइड कहलाता है या इंडेमनिटी होल्डर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने अभी इसके पहले एग्जाम्पल डिस्कस किया था, जिसमें ए बी से ये कहता है कि आप मुझको बाइक चलाना सिखा दीजिए अपनी बाइक से, और अगर मेरे बाइक सीखने के क्रम में आपकी बाइक को कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई मैं करूँगा, उसको रिपेयर करवा दूँगा, या उसका कोई पार्ट डैमेज होता है तो उस डैमेज पार्ट को चेंज करवा दूंगा। तो इस स्थिति में ए ने प्रॉमिस दिया है नुकसान की भरपाई करने का, तो ए इंडेमनीफायर कहलाएगा। और जो प्रॉमिस दिया गया है वो बी को दिया गया है तो बी इंडेमनीफाइड कहलाएगा या इंडेमनिटी होल्डर कहलाएगा। लेट अस डिस्कस ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ इंडेमनीफायर। अब हम इंडेमनीफायर के ड्यूटीज या लाइबिलिटीज की चर्चा करते हैं, या हम कह सकते हैं कि इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स क्या हैं, क्योंकि जो भी इंडेमनीफायर की ड्यूटी है वही इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स हैं। तो पहली ड्यूटी जो इंडेमनीफायर की है, या जो इंडेमनिटी होल्डर का पहला राइट है, वो है इंडेमनीफाई ऑल डैमेजेस, या हम कह सकते हैं टू गेट डैमेजेस फॉर द लॉस किसी भी। और ये राइट्स गिनाए गए हैं सेक्शन 125 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, भारतीय संविदा अधिनियम के सेक्शन 125 में। ये कहता है कि जिस केस में इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो अगर उसमें इंडेमनिटी होल्डर को कोई नुकसान होता है तो जो भी उसको नुकसान होता है उस नुकसान की भरपाई इंडेमनीफायर करेगा इंडेमनिटी होल्डर। दूसरा है इंडेमनीफाई द कॉस्ट। मान लीजिए उस कॉन्ट्रैक्ट में इंडेमनिटी होल्डर से कोई नुकसान हो जाता है और कोई व्यक्ति उसके ऊपर सूट लाता है, तो मान लीजिए इंडेमनिटी होल्डर उस सूट में जीत भी जाता है
फिर भी उस सूट को लड़ने में या उस सूट को डिफेंड करने में जो भी नुकसान, जो भी कास्ट आई होगी, जो भी उसमें खर्चे हुए हैं, उस खर्चे को प्राप्त करने का अधिकार इंडेमनिटी होल्डर को होगा। और ये इंडेमनीफायर की ड्यूटी होगी कि वो इंडेमनिटी होल्डर को जो भी कास्ट इनकर हुए हैं उनके लिए कंपनसेट करें। और थर्ड एंड लास्ट है इंडेमनीफाई अमाउंट पेबल इन केस ऑफ कंप्रोमाइज। मान लीजिए कोई मुकदमा आया, उसमें अंत में जाके कंप्रोमाइज होता है, समझौता होता है, तो समझौते के परिणाम स्वरूप जो भी धनराशि देने का उत्तरदायित्व तो इंडेमनिटी होल्डर के ऊपर आता है, वो सब धनराशि इंडेमनीफायर द्वारा पे की जाएगी। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि कंप्रोमाइज मस्ट बी डन इन ए बोनाफाइड मैनर। जो समझौता हुआ है वो सद्भावपूर्वक किया गया समझौता होना चाहिए। नो कल्यूजन इन ए सेटलमेंट, जो पार्टीज टू सूट हैं उनके बीच में सेटलमेंट में कोई कल्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई दुरुपसंधि नहीं होनी चाहिए, मतलब उन्होंने आपस में कोई हिडन कॉन्ट्रैक्ट ना किया हो एक दूसरे को लाभ पहुंचाने का। और तीसरा है इट मस्ट नॉट बी एन इमोरल बार्गेन, और ये जो भी लेन देन हो रहा है ये इमोरल बार्गेन नहीं होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। और आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।